उत्तर प्रदेश और मणिपुर में आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम तक दोनों राज्यों में प्रचार का शोर थम जाएगा। बात करें यूपी की तो प्रदेश में सातवें और अंतिम चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यूपी चुनाव का ये आखिरी चरण काफी अहम है क्योंकि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की सीटों के लिए इसी चरण में मतदान होगा। ऐसे में बीजेपी के लिए ये साख की लड़ाई बन चुकी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। आज भी वाराणसी में पीएम के कई कार्यक्रम हैं, साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम अखिलेश यादव भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी किसी से पीछे नहीं है, उन्होंने भी अंतिम दिन पूरी ताकत लगा दी है। आपको बता दें कि इस चरण में गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और जौनपुर की 40 सीटों के लिए मतदान होगा। इस बार कुल 535 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार वाराणसी कैंट सीट से मैदान में है, जबकि सबसे कम 6 प्रत्याशी केराकत सीट से हैं। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2012 में इन 40 सीटों में से 23 सीटें सपा के खाते में गई थी। बसपा को 5, भाजपा को 4, कांग्रेस को 3 और अन्य को 5 सीटें मिली थी। वहीं बात अब मणिपुर की करें तो दूसरे चरण के लिए आज शाम तक प्रचार का शोर थम जाएगा। अंतिम चरण में यहां 22 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर सभी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और इरूम शर्मिला की पार्टी के बीच है। पिछले दिनों यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रैलियां की थी। आपको बता दें कि इससे पहले 4 मार्च को 38 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें 84% लोगों ने अपने मतदान का इस्तेमाल किया था। तो मणिपुर और उत्तर प्रदेश में आज शाम तक चुनावी शोर थम जाएगा। यूपी में सातवें चरण की इन सीटों में पिछले साल सबसे ज्यादा सीटें सपा के खाते में गई थी, वहीं मणिपुर में 15 सालों से कांग्रेस का राज है। ऐसे में इस बार जनता किसे चुनेगी, ये 11 मार्च को साफ हो जाएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।